तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आज मैं खेल रहा हूँ फ्रैंकलिन के साथ, और आज मेरे को शायद लेस्टर का कोई मिशन करना है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठता हूँ और चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर हमें लेस्टर ने बुलाया है। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। गाइस, मुझे तो लगता है कि शायद अब फ्रैंकलिन को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि उसको अभी तक घर नहीं मिला है और शायद लेस्टर उसको घर भी दे सकता है। तो चलो देखते हैं आज के मिशन में क्या होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब और से और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी GTA 5 से रिलेटेड। तो गाइस, बातों में मैं पुल के नीचे से ही ले गया था, मेरे को पुल के ऊपर चढ़ानी थी गाड़ी और मैं नीचे ही ले गया था। तो अभी भी थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और चलते हैं जहाँ पर। अरे अरे भाई साहब यार, ये लॉस सैंटोस के बंदे ना हैवी ड्राइवर है पूरे, मतलब कि देखते ही नहीं है कौन आ रहा है आगे से, ठोक देते हैं। पर वैसे गलती उसकी नहीं है, वैसे गलती तो मेरी है, मैं ही गलत चला रहा हूँ, मेरे को पता है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। ओके, तो शायद मैं आ चुका। अरे यार, तो ओके गाइस, मेरे को शायद नीचे जाना पड़ेगा और मैं उतर के नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी अपनी नीचे लेके जाऊँगा इस स्टेयर से। और हमारी गाड़ी बहुत ही बहुत बढ़िया कार है, तो आराम से नीचे चले जाती है। तो अब मैं यहाँ से उतरता हूँ, चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कहाँ पर है लेस्टर। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं। ओके, तो ये कोई मार्केट है, पता नहीं कौन सी जगह, मैं भूल गया। तो यहीं पर ही हमें लेस्टर ने मिलने को बुलाया, तो शायद थोड़ी देर तक आएगा, उसको चलने में भी दिक्कत होती है पता नहीं क्यों। तो शायद अभी फ्रैंकलिन वेट कर रहा है कि कब आएगा लेस्टर। और ओके, तो लेस्टर आ चुका है और फ्रैंकलिन भी बैठने वाला है, और शायद अब ये बातें करेंगे तो लेस्टर इसको कोई मिशन ही देगा। और ये इसकी तरफ देख नहीं रहा है, शायद इसको कोई देख रहा है पता नहीं क्यों। भाई ये हैकर है, इसको पता होता है कि क्या करना है इस टाइम पे, इसको भी बहुत खतरा होता है। तो चलो सुनते हैं इनकी बातें। Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. Now, he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm going to make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okay, guys. Ab hume shayad kisi hotel mein jana hai. गो टू द होटल। तो हमें किसी होटल में जाना है और किसी बंदे को मारना है, ये नहीं पता कौन से बंदे को मारना है। तो यहाँ से तो शायद दूर है थोड़ा सा होटल, हाँ दूर है। तो चलो चलते हैं अब उस होटल में और देखते हैं हमें क्या करना है। One hour later. तो ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे को आना था और इस लोकेशन पे आना था। ओके, तो यहाँ पर कोई आ रहा है, मतलब इसी को ही ठोकना होगा। विंटेज पॉइंट टू द होटल। ओके, तो अब हमें शायद इसको मारना है। ओके, तो आप मेरे को शायद एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ से मैं इसको मार पाऊँ, तो मेरे को तो पता है। और मैं यहाँ पर पार्किंग में आया हूँ और मेरे को शायद लगता है कि हम ऊपर जाके इसको ठोक सकते हैं स्नाइपर के साथ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा पौड़ियों वाली साइड से, स्टेयर्स वाली, क्योंकि दूसरी साइड से टाइम ही बढ़ा जाएगा।
तो यहाँ से जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। और अभी तो फर्स्ट फ्लोर है, अभी सेकंड भाई बहुत सारे फ्लोर है। अरे नीचे नहीं जाना, फ्रैंकलिन ऊपर जाना है, तो चलो चलते हैं ऊपर। तो ओके गाइज, हम ऊपर आ चुके हैं और मेरे को शायद, हाँ यहाँ पर सामने वाली साइड पे जाना है। और यहाँ पर भाई होटल बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर स्नाइपर निकाल लेता हूँ और सीधा हेडशॉट मारूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से नीचे चले जाऊँगा गाड़ी में और बैठ के निकल भी जाऊँगा। तो अब मेरे को शायद स्नाइपर निकाल लेनी चाहिए, तो मैं स्नाइपर निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। तो गाइज अब मेरे को उसको मारना पड़ेगा, तो मैं अब स्नाइपर निकाल लेता हूँ। भाई स्नाइपर है ही नहीं यार मेरे पास। शेट यार, स्नाइपर यार, फ्रैंकलिन के पास स्नाइपर नहीं है यार, मेरे को चेक करना चाहिए था। शेट, अब वो निकल जाएगा हाथ से, और पिस्टल से तो मैं मार नहीं सकता ना, शॉटगन गुड बाय। से। और अरे 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 अरे, तो गाइस अब मैं इस होटल के यहाँ पर आ चुका हूँ, मतलब पीछे से छुप चुका हूँ, तो इनको अभी तक पता नहीं चला है। और मैं अब यहाँ से इनको मारूंगा, जब भी वो बाहर निकलेगा मैं शॉटगन लेके सीधा उसको ही मार दूंगा, ठोक दूंगा। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। और अरे अरे, मैं नीचे कैसे, अरे को इन्होंने मेरे को देखा नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से मारूंगा इस बार मैं। Let's move it out, people. We need this area clear. भाई देख लिया इन्होंने मेरे को, यहाँ से भागना पड़ेगा मेरे को। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ यहीं कहीं। भाई यहाँ के मैनेजर ने मेरे को देख लिया शायद, Sir, leave तो the मेरे को यहाँ area पर छुपना now. पड़ेगा। This is for authorized personnel only. तो भाई बोल तो रहा है शायद उसको, मैं दिख गया हूँ पता नहीं। अरे 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 भाई, आ गया इधर। अरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई I'm not going to say this अरे भाई, again. इसने गन निकाल ली। भाई Leave भाग लो यहाँ से, now. भाग लो भाई, मेरे को खाम खा के पंगे नहीं लेने, ये ना हो मेरे हेडशॉट ही मारे ये। मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, इनके पास गन भी है, होटल के मैनेजर के पास, या फिर ये इसका बॉडी Once गार्ड a है। whistle हाँ blows, बॉडी गार्ड ही I'll होगा have that शायद। eye तो transplant. मैं भाई ऐसे तो जाऊँगा नहीं, वो शायद चला जा चुका है, तो अब मैं फिर से जा रहा हूँ उसी जगह पे। तो देखते हैं वो अब शायद, हाँ अब शायद बाहर आ चुका होगा वो। अरे भाई यहाँ से नहीं दिख रहा यार, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। तो ओके, तो अब मेरे को टारगेट को मारना है, Keep your तो eye मैं for सबसे anything पहले unusual. इसके Let's see if we can पीछे get through one खड़ा हो day जाता without हूँ। some wannabe और मेरे hippie को शायद running वो through. रेड टी शर्ट वाले को मारना है, और Put हाँ those उसी को ही patients मारना है मेरे को, out. रेड टी शर्ट वाले को। तो गन तो मेरे पास दो ही है, पिस्टल से मार के देखता हूँ। Face. ये जो मेरे पास पिस्टल है, अरे यार एक तो ली नहीं जाती पिस्टल, पता नहीं क्यों। तो मैं अब शॉट गन से ही मारूंगा उनको। तो अब मैं सीधा भाग के जाऊंगा और कुछ नहीं देखूंगा, जाके सीधा मार दूंगा। I need और अरे backup भाई now. इन्होंने There's देख लिया, no शेट शेट here शेट, like you people. ये गया। और दूसरा दूसरा, अरे शेट यार। खत्म. तो ओके गाइज, मैंने मिशन पास कर लिया है और मैंने सारे गुंडों को मार दिया था। और उसके बाद मैं उनको, मतलब जो मेन हेड था उसको मार के आ चुका हूँ। और चलो चलते हैं। तो गाइस जिस खुशखबरी के बारे में मैं बोल रहा था, और वही हुआ, लेस्टर ने हमें कहा है कि, मतलब कि एक जगह है वहाँ पर, एक प्रॉपर्टी है। अरे भाई प्रॉपर्टी होगी जगह में, तो वो जगह हम देखने जा रहे हैं। और लेस्टर शायद फ्रैंकलिन को गिफ्ट कर रहा है वो जगह, और वो वहाँ पर एक घर बना हुआ है, तो वो घर अब से हमारा, तो आपको पता ही होगा कि कौन सा घर है। तो अब वहाँ पर जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं हमारा घर। मैं देख तो चुका हूँ पर अंदर से इतना डिटेलिंग नहीं देखी है, तो चलो चलते हैं। A few moments later. ओके गाइस, फ्रैंकलिन का न्यू घर आ चुका है, और ये है फ्रैंकलिन का न्यू घर, जो भाई बहुत बड़ा घर है। और ये है मेन एंट्रेंस, और ये गैराज है। और भाई हमारी बाइक भी आ चुकी है यहाँ पर। भाई लेस्टर बहुत तगड़ा बंदा है भाई, उसने सब कुछ शायद घर के अंदर रख दिया होगा। तो ये है हमारा नया घर, फ्रैंकलिन का नया घर। और अब यहाँ से, मतलब सारे मिशन करेंगे हम इसी घर से। तो मैं अभी इसको अंदर खड़ा देता हूँ और चलते हैं अंदर। अरे नहीं यार, बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि लुक, अरे नहीं यार, अंदर से मतलब आगे से कबाड़ा हो रखी है ये कार, दिखाने लायक नहीं है। पर मैं अभी इसको बाहर ही खड़ी करूँगा और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो गाइस फ्रैंकलिन का घर कितना सही लग रहा है। तो अब टाइम हो चुका है अंदर जाने का, तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से जाऊँगा क्योंकि ये यहाँ से है मेन एंट्रेंस। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इस घर के अंदर। और अरे भाई ये क्या हो गया,
अरे शिट यार, गेम क्रैश हो गई है। पता नहीं क्यों हो रहा है भाई, ये चिकी में ऐसा ही हो रहा है, एकदम से गेम क्रैश हो जाती है। तो मैं फिर से एक बार ही ठीक कर लेता हूँ गेम को। तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हेलीकॉप्टर पे आ गया, तो मेरी गेम हो गई थी क्रैश और उसके बाद मेरे को ठीक करना पड़ा और रीसेट करने से मैं वापस उसी जगह पे पहुंच गया और अब मैं यहाँ पर आया हूँ हेलीकॉप्टर की मदद से। और अरे यार भाई, इनको तो यार क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं ये कह रहा था कि हमें अभी एक गाड़ी चाहिए ऊपर जाने के लिए। अरे नहीं यार, अरे थोड़ा सा दूर है शायद फ्रैंकलिन का घर, चल के ही चलते हैं। तो चलो पैदल ही चलते हैं। तो ओके गाइस, हम आ चुके हैं और मैंने गाड़ी चोरी कर ली थी किसी की, मेरे को बढ़िया लगी। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलता हूँ और ये है हमारी एंट्रेंस और यहाँ से हम, अरे यार ये तो शायद नीचे जाने का रास्ता है, तो एक बार नीचे भी देख आते हैं। तो मेरे को ना सबसे पहले गेम सेव करनी है क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच भी हो रहा है गेम में। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, बेड ढूंढता हूँ। बेड कहाँ पर है? और मेरे को नहीं पता भाई, मैं पहली बार आया हूँ, बेड तो नहीं पता कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर तो नहीं होगा शायद। तो ओके गाइज, अब सोने की बारी आ चुकी है, हम सो लेते हैं। उसके बाद मतलब सुबह थोड़ा सा व्यू भी बढ़िया आएगा, घर भी बढ़िया दिखेगा। तो सुबह हम, तो ओके गाइज, सुबह हो चुकी है और मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगा। ये कपड़े नहीं मेरे को पहनने, अजीब से लग रहा है ये, थोड़ा सा भिखारी टाइप फीलिंग आ रही है, मतलब थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है। और तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई और ये वाले शूज़ पहन लेता हूँ। मैं पहन के बताता हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो ओके गाइस, ये कपड़े मेरे को बहुत बढ़िया लगे, आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। और भाई स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, भाई कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, और मैं सीधे ही कूद गया इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो 2 मिनट में सूख जाएंगे। तो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस घर के अंदर। और हम बाहर, ओ भाई गीला हो गया मैं पूरा, अरे यार पानी में जाऊंगा तो गीला ही होऊंगा, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। और भाई ये, अरे भाई चौप भी आ गया, अरे यार मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा, मैंने सोचा ये कौन सा कुत्ता है भाई, ये चौप भी आ चुका है। और इसके लिए कितना प्यारा घर बनाया भाई, कितना सही घर है यार। तो अभी मेरे को शायद इसके साथ खेलना नहीं है, अभी बाहर चलते हैं। और मेरी गाड़ी भी अभी बाहर खड़ी हुई है और मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ व्यू कैसा लग रहा है सुबह का। तो गाइस ये है फ्रैंकलिन का घर। तो इतना ही था। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद, अरे नहीं 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 अभी मैंने अंदर का तो नहीं दिखाया। तो ओके गाइस, ये है अंदर से फ्रैंकलिन का घर, तो मैंने नहीं देखा था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और ये भाई ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये शायद हुक्का है, मेरे को नहीं पता, हुक्का ही होगा और क्या है। तो भाई मैंने गलती से बटन पे क्लिक कर दिया। अरे गाइस अब देखो कैसा दिख रहा है फ्रैंकलिन, भाई बहुत धुंधला दिख रहा है भाई, क्लियर कब होगा। और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, पता नहीं कैसी कैसी। और मैं अब टेलीस्कोप पे नहीं ओपन कर सकता, अरे भाई मेरे को टेलीस्कोप देखना था भाई, ये ठीक कब होगा फ्रैंकलिन भाई, पता नहीं क्या हो गया भाई इसको। ओके तो अब मैं ठीक हो चुका हूँ। और भाई ये टेलीस्कोप है, अरे भाई सब दिख ही रहा होगा भाई, टेलीस्कोप है, क्या बोल रहा हूँ मैं आजकल। तो यहाँ से नज़ारा तो ठीक, क्या मतलब कुछ बढ़िया सा नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लग रहा भाई ये बढ़िया है, मुझे बढ़िया नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं अभी और भी देखते हैं, यार मैं फ़ोन क्यों निकाल देता हूँ, एक मिनट मैं बंद करता हूँ। तो ओके गाइस, ये है फ्रैंकलिन का किचन और भाई बहुत मस्त किचन है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।